वेलकम। नेक्स्ट डे क्या टीवीएस मोटर ये जो ब्रेकआउट दिख रहा है या फिर एक जो ट्रेंडिंग मूव दिख रहा है, क्या फिर से यहाँ पर एक ब्रेकआउट और मूवमेंट अपसाइड की तरफ होगा या फिर यहाँ से फर्दर कोई सेलिंग आएगी? इस चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए, हायर टाइम फ्रेम पर आप इसे देखेंगे तो ये दिखेगा आपको कि मार्केट बहुत अच्छे मोमेंटम है, ठीक है, और ऐसा लगता है कि यहाँ इस लेवल को ब्रेकआउट करते ही ये वाले लेवल और इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों का एंटिसिपेशन है कि ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन अभी आपको समझना है कि अगर लोग थोड़े से स्मॉलर टाइम फ्रेम पर आए तो आपको क्लियरली दिखेगा कि हम लोग कहीं ना कहीं एक रेंज के अपर एंड में है। तो इस तरह से इस कंपैक्ट स्ट्रक्चर को आप देखते हैं तो चांसेस बहुत हाई लगते हैं कि जब भी ऊपर के लेवल पे मार्केट आता है तो हमें एक सेलिंग फोर्स दिखती है। तो यहाँ पर कोई अगर ब्रेकआउट आए तो यहाँ पर उस ब्रेकआउट को अवॉइड करना ज्यादा एक अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रैपिंग के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या देखना है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, क्या इस एरिया को मार्केट किस तरह से होल्ड करता है, मतलब ये वाला जो लेवल है 2470, ठीक है, ये 2470, अगर ये सेलिंग आती है इस लेवल पर होल्ड करती है और उसके बाद बाउंस बैक आता है, तब तो फिर से इस हाई को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मार्केट फिर ये एक देखिए, पुल बैक्स आर ऑलवेज ए हेल्दी थिंग। अगर आपको स्विंग्स को राइड करना है तो आपको इस पुल बैक से डरना नहीं होगा। अगर आप पुल बैक से डरते हैं, जैसे यहाँ पर फ्रेश सेलिंग का काफी लोगों ने कर लिया, स्टॉप लॉसेस यहाँ होंगे यहाँ होंगे, अब आप देखिए उन्हीं के स्टॉप लॉसेस के कारण मार्केट ऊपर जाता है। तो स्विंग्स को अच्छे तरीके से समझना काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 2472 तक अगर इस सेल ऑफ आता भी है, यहाँ से अगर होल्ड है और बाइंग है तो मूवमेंट विल गो ऑन। इस लेवल के नीचे है तो फिर ड्रॉप, मतलब एक रिवर्सल आपको दिखेगा यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ योर बिग मूव। लेकिन अगर इस लेवल पर होल्ड है या अपसाइड से मोमेंटम आता है तो ये वो एरिया है जहां से एक ट्रेंडिंग मूव फिर से चालू हो सकता है अपसाइड के लिए। ऑलराइट, आपके कोई क्वेश्चन है कंसर्न में ईमेल। थैंक्स वॉचिंग।